नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों से बहुत सारे भाई ईर्ष्या, द्वेष और जलन की भावना रखते हैं। उसके पीछे का क्या कारण है, आज मैं उसी कारण का निवारण करने आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। साथ ही आप सबको बताना चाहूँगा कि एक नेटवर्कर अपनी सोच को बड़ा कर लेता है, एक नेटवर्कर अपने सपने को बड़ा कर लेता है, एक नेटवर्कर वहाँ तक सोचने की ताकत पैदा कर लेता है जहाँ पर SSC, रेलवे और तमाम तरह की सरकारी या प्राइवेट नौकरी की तैयारी करने वाले लोगों की सोच नहीं पहुँच पाती। इसी वजह से शायद लोग ईर्ष्या और द्वेष जलन की भावना रखना शुरू कर देते हैं कि ऑडी जैगवार और मर्सिडीज की ये बातचीत कर रहा है, कहीं इसके घर ऑडी जैगवार ना आ जाए और मेरी सामत आ जाए। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि एक नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला इंसान अपनी सोच को डेवलप करता है भैया, अपनी सोच को नौकर से ऊपर ले जाता है, मालिक की ओर ले जाता है, जहाँ पे स्वतंत्र विचारधारा से अपने आप को वो ये महसूस कराने के लिए प्रयासरत हो जाता है कि मैं अब चाहे एक छोटा सा मालिक ही क्यों ना हूँ, लेकिन मैं नौकर की श्रेणी से बाहर निकाल के अपने आप को मालिक वाली सोच में बिठा रहा हूँ, ये उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। लेकिन जो इंसान बचपन से जवानी की दहलीज तक नौकर बनने के प्रयास में दिन रात परेशान रहा, दिन रात परिश्रम करता रहा, दिन रात मेहनत करता रहा, इस चकाचौंध की दुनिया में मोटी मोटी किताबें पढ़ता रहा, उस इंसान को तकलीफ तो होगी ना कि मैंने अपने ज़िंदगी के 20 से 25 साल गंवाए पढ़ाई में, मोटी मोटी किताबें हमने घोल कर पी डाली, ऑडी जैगवार मर्सिडीज की आज तक कभी जहन में बात और ख्याल ना आया। ये इंसान 4 दिन नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशन लेते हुआ और ऑडी जैगवार BMW मर्सिडीज जैसी कारों की बातचीत करता है, लग्जरी घर की बात करता है, विदेश की यात्रा की बात करता है, स्वस्थ जीवन की बातचीत करता है, मनचाहा पैसा की बात करता है, स्वस्थ जीवन की बात करता है। अरे साहब, मैं आपको कहना चाहूँगा, यही तो पावर है एक नेटवर्कर की, यही तो पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की कि जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो आपकी सोच सबसे पहले बड़ी होती है, सबसे पहले आपके ड्रीम्स बड़े होते हैं, सबसे पहले आपके अंदर वो जिगर पैदा होता है जिसके करके आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा इतिहास बना सकते हैं। यही तो पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की, जिसको आज आप समझने से इनकार कर रहे हो, जिसको आज आप समझने से दूर हो रहे हो और आज भी आप सदियों से चली आ रही प्रथा को अपने जीवन में धारण किए हुए नौकरी के पीछे बेवकूफों की तरह लगे हुए हो, परेशान हो, हताश हो, निराश हो, लेकिन फिर भी फॉर्म पे फॉर्म, फॉर्म पे फॉर्म, फॉर्म पे फॉर्म भरते जा रहे हो और एक नेटवर्कर की निंदा करते हुए शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती है? कैसी कैसी एजुकेशन ले रहे हो यार? एक नेटवर्कर जब बातचीत करता है कि आई विल परचेज ऑडी जैगवार मर्सिडीज इन माय लाइफ वन डे, आपको तकलीफ होती है, आपको प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है ये क्या बातचीत कर रहा है, ये पगला गया क्या, धतूरा खा लिया क्या, भांग खा लिया है क्या, दारू पी के बातचीत कर रहा क्या भैया? नहीं भैया, पूरे होशो हवास में बात कर रहा है। जब ऐसी मीटिंग, सेमिनार, वर्कशॉप में जब बैठोगे ना, तो अंदर से एक आवाज आएगी कि तूने अभी तक अपनी जिंदगी में करा क्या यार, अब तो शुरू कर, अब तो अपने जिंदगी में इनके बारे में सोच, जिसके बारे में दुनिया के बाकी लोग सोचने से हिल जाते हैं, कांप जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं, घबरा जाते हैं। अरे भैया, यही तो नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है। हजारों दफा मैंने ये बात आपको बताई है और हजारों बार मैं बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग की पोटेंशियल को इग्नोर मत करना यार, पूरी दुनिया इसी नेटवर्क पर टिकी है, सबके पास अपना खुद का नेटवर्क है और आप किसी दूसरे के नेटवर्क बनने की तैयारी कर रहे हो। हम लोगों को अपना नेटवर्क बनाते हैं और आप किसी दूसरे के नेटवर्क बनते हो, यही आप में और हम में फ़र्क है। हम लाखों करोड़ों की बात करते हैं, हम ऑडी जैगवार मर्सिडीज की बात कर लेते हैं और आप 20 से 25, 30, 40 हज़ार रुपये तक सीमित रह जाते हो, कमा पाओ या ना कमा पाओ वो अलग की बात है, लेकिन सोच को तो बड़ा नहीं कर पाते यार। माँ बाप के लिए सपना तो नहीं देख पाते, माँ बाप के लिए ख्वाहिशें तो नहीं पैदा कर सकते, माँ बाप के लिए जीवन जीने की कला तो नहीं सीख सकते। 20, 25, 50 हज़ार रुपये माना कि आप कमा लोगे, लेकिन आपने अपनी सोच को बड़ा तो नहीं किया ना यार। एक नेटवर्कर 20, 25, 50 हज़ार में लाखों की सोच अपने माइंड में डेवलप कर लेता है, अगर वो डेडिकेशन और पूरी शिद्दत के साथ काम करता है तो इतिहास बनाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने का कोई लिमिटेशन नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए कोई वैकेंसीज की सीट लिमिटेड नहीं है भैया कि बस 5 लोग ही सफल होंगे, 5 ही लोग सफल होंगे, ऐसा नहीं है यार। जो मेहनत करेगा
वो सफल। यहाँ सीटें अनलिमिटेड हैं, यहाँ पैसा आप अपने काम के हिसाब से अपने मुताबिक अपने लीडरशिप की क्वालिटी पे कमाते हैं। यही सबसे बड़ी ताकत नेटवर्क मार्केटिंग की है, जिसे आप समझने से इनकार कर देते हो, जिसे आप समझना नहीं चाहते, जिसे आप जानना नहीं चाहते, जिसके बारे में आप बातचीत नहीं करना चाहते। कहीं से गलती से एक दो बार आपने धोखा क्या खाया, आपने नेटवर्क मार्केटिंग पर लांछन लगाना शुरू कर दिया। क्या ये उचित है? क्या आपको लगता है ये उचित है? अरे भैया, जाके देखो पहले YouTube, Facebook, Instagram उठा के देखो, कितने सारे लोग अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव लेकर के आ रहे हैं, अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव कर चुके हैं। ऐसे लोगों के बारे में जानने की कोशिश तो करो यार। बेवजह के आप नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों से ईर्ष्या और द्वेष करने लगते हैं, क्या ये सही है? मैं कह तो रहा हूँ यार कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों से ईर्ष्या, जलन और द्वेष की भावना रखते हैं। तो उसके पीछे का कारण सिर्फ ये कि आपकी जो सोच है ना, वो अभी भी 20, 25, 50 हजार रुपए तक की है, लेकिन एक नेटवर्कर की सोच लाखों करोड़ों की जा चुकी है, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज जैसी कारों की जा चुकी है। आपके भी तो दिल में तमन्ना होगी ना यार, आप में भी तो कुछ जुनून होंगे ना, आप में भी तो कुछ सोच होंगे ना। लोगों से कह तो नहीं पाते, लोगों से सिर्फ एक ही चीज कहते हैं कि फला फॉर्म आया तो उसको भर दिया, फला फॉर्म आएगा उसको भर देंगे। फॉर्म भरते 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 जीवन के 25 से 30 40 साल निकल चुके हैं, और अब हम क्या करेंगे अपने लाइफ में? सोचा जो आया लाइफ में हमारे समय था वो तो जा चुका है, और अब जो आने वाला है उसमें हम क्या करेंगे? कभी सोचा, अपने विचार किया, बैठकर मंथन किया? या फिर नेटवर्कर को सिर्फ गाली देना आता, नेटवर्कर के बारे में अनाप शनाप बातें करना आता, नेटवर्कर से केवल ईर्ष्या द्वेष करना आता? यार मैं आपसे आज सीधी बातचीत कर रहा हूँ। देखो, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के जो गलत पॉइंट्स होते हैं उस पर भी मैं बातचीत करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के जो अच्छी पॉइंट्स हैं उस पर भी मैं बातचीत करता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा कि नेटवर्क मार्केटिंग में करने वाला हर इंसान ऑडी, जैगवार, मर्सिडीज पा लेता है, लाखों करोड़ों पा लेता है, लेकिन लोगों की सोच डेवलप हो जाती है, लोगों की सोच बड़ी हो जाती है, लोग अपनी ज़िंदगी में उसके बारे में सोचने और उसके बारे में बातचीत करने का जिगर पैदा कर लेते हैं। यही तो डायरेक्ट सेलिंग सिखाता है यार।